उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने आज हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कोहरे में ट्रेनों की सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोहरे में ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की पहली प्राथमिकता है। वहीं उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मार्च तक हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन का काम पूरा हो जाएगा। महाप्रबंधक ने अधिकारियों को यात्रियों के लिए शौचालय और टिकट खरीद पर यूपीआई से पेमेंट के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। आप कैसे करोगे पेमेंट? अभी आप लोग जानते हो कि विंटर सीजन शुरू हो गया है और यहाँ पे टेम्परेचर कम हो गया है, कोहरा भी इस क्षेत्र में पड़ा है, तो इस समय रेलवे की तरफ से संरक्षा को लेके हम लोग विशेष तैयारियां करते हैं और हमारा जो पूरा सिस्टम है, सारे अधिकारी, सारे निरीक्षक सब बहुत वाइड स्प्रेड तरीके से इंस्ट्रक्शंस करते हैं और जो रेलवे की तैयारियां हैं विंटर सीजन में सुरक्षा को ध्यान में रखने के लिए उनको रिव्यू किया जाता है। और इसी कड़ी में मेरा ये निरीक्षण है, तो संरक्षा को भी देखना है और जो यात्री सुविधाएं यहाँ पे हनुमानगढ़ में और अन्य स्टेशनों पे हो रही हैं उनके बारे में भी मंडल प्रबंधक जी हैं, उनसे बातचीत होगी और यहाँ का इंस्पेक्शन होगा।